एक तरफ जहां मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, क्योंकि आने वाली 19 अप्रैल से भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। देखने में यह चुनाव एक पक्ष नजर आता है जिसमें कि बीजेपी का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। देखने में यह पूरी तरह से दिखता है कि आने वाले समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। किंतु अगर बात करें ग्रह स्थितियों की, तो यह चुनाव बीजेपी सहित पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अगर बात करें ग्रह स्थितियों की, तो ग्रह स्थिति वर्तमान में बहुत ही असामान्य बन रही हैं। मैं किन ग्रह स्थितियों की बात कर रहा हूँ, आज के इस वीडियो में उन्हीं ग्रह स्थितियों का बहुत ही डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं। अपने पिछली एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 25 मार्च को गोचर में चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये ग्रहण लगेगा कन्या राशि में, और इसके ठीक 15 दिन बाद 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण मीन राशि में लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि जब भी 15 दिन के अंतराल में चंद्र व सूर्य ग्रहण लगते हैं तो यह स्थिति बहुत ही सामान्य नहीं होती, किंतु ग्रहण 15 दिन में लगना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्सर लगते रहते हैं, इसका चुनाव से वास्तव में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। देखिएगा, मैं केवल इन दो ग्रह स्थितियों की बात नहीं कर रहा, गोचर में अगर हम ग्रह स्थितियां देखेंगे तो अन्य कई ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जो कि आने वाले समय में आम जन को, देश के राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं त्रास दे सकती है। सबसे पहले ग्रह स्थिति की बात करेंगे तो वह ग्रह स्थिति है कुंभ राशि में शनि व मंगल का योग। शनि व मंगल को पाप ग्रह माना गया है। माना जाता है कि जब भी गोचर में शनि व मंगल युति अथवा दृष्टि से संबंध बनाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं बलि हो जाती हैं। ऐसे में शासन प्रशासन और कृषक वर्ग मजदूर वर्ग आपस में टकराते हैं, फलस्वरूप पूरी दुनिया में अराजकता बढ़ती है, और जब अराजकता बढ़ती है तो ऐसे में राजनीतिक वर्ग परेशान होगा, आमजन परेशान होगा ही होगा। अब बात करें अगर इस ग्रहण स्थिति की, तो पहले तो 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, कन्या राशि में लगेगा। अब कन्या राशि में जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो जब चंद्र ग्रहण की एक विशेषता होती है कि आम जन को मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ा देता है। इसके बाद 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगेगा और सूर्य ग्रहण के कुछ समय बाद ही इलेक्शन है। अब जब यह सूर्य ग्रहण लगेगा तो आप उस समय की ग्रह स्थिति देखें, क्योंकि आपके सामने जो कुंडली है यह 8 अप्रैल की है जिस दिन की सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण वाले समय आप देखेंगे सूर्य चंद्र राहु तीनों ही मीन राशि में होंगे और ये शनि मंगल से द्वितीय भाव में होंगे। जहां शनि मंगल का योग चराचर जगत में पाप प्रभाव बढ़ा रहा है, वही यह ग्रहण राजसत्ता आत्मशक्ति मन शक्ति इनको पीड़ित कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को प्रकाश माना गया है, चंद्र को प्रजा माना गया है, आत्मशक्ति को संचारित करने वाला मन माना गया है। तो ऐसे में जब आत्मशक्ति मन दोनों ही राहु के पाप प्रभाव में होंगे तो यह सीधा सीधा इंडिकेशन जाता है कि यह समय राजनीति राजनेता सामान्य जन इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फलस्वरूप यह चुनाव देश और दुनिया में किसी न किसी तरह की नकारात्मकता का प्रसार करेगा। यह चुनाव बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे इसी समय गोचर में बुध भी वक्री होंगे। बुध को बौद्धिक क्षमता का कारक ग्रह माना गया है, कम्युनिकेशन का कारक ग्रह माना गया है। बुध का वक्री होना, शनि मंगल का योग होना, शनि
मंगल के योग से द्वितीय भाव में ग्रहण लगना, यह अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन फेलियर के बहुत बड़े चांसेस हैं। अब ये कम्युनिकेशन फेलियर इस तरह से भी हो सकता है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी तरह का नेटवर्क जैम हो जाए, या फिर इस तरह की एक अराजक स्थिति बने जिस वजह से सरकारों को इंटरनेट बंद करना पड़े, या फिर अभी पीछे आपने देखा जिस तरह से फेसबुक ठप हो गया था, उस तरह से कोई अन्य स्थिति बन सकती है। अब बुध और चंद्र दोनों ही मन और बुद्धि के ग्रह हैं, दोनों ही राहु के प्रभाव में हैं। बुध वक्री होने से यह प्रभाव बुध के ऊपर भी आ जाता है, तो ऐसे में यह स्पष्ट है कि आम जन में विद्रोह की भावना, कलेश की भावना बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। समझदारी कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में आएगी, लोग अपनी समझ से बहुत ही अच्छे से काम नहीं लेंगे, और जब लोग अपनी समझ से बहुत अच्छे से काम नहीं लेंगे तो सीधी सी बात है चुनाव पर भी असर पड़ेगा और दुनिया में भी असर पड़ेगा। जब भी ग्रहण जैसी स्थिति बनती है, गोचर में कोई विशेष ग्रह स्थिति बनती है, तो इसका चराचर जगत में प्रभाव होता है। तो ऐसे समय में हो सकता है कि देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति एक बार फिर से बने, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा एक बार फिर से जनमानस को परेशान कर सकती है। बीजेपी की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत स्तर से देश के लिए इतने बड़े प्रयास हैं कि पूरी भारतीय राजनीति में मोदी जी का कोई दूसरा विकल्प वर्तमान में नज़र नहीं आता। और जिस तरह से बीजेपी का और मोदी जी का पूरे देश में होल्ड है, उससे यह तो एक स्पष्ट संकेत जाता है कि यह चुनाव एक तरफा ही होने वाला है। मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और पूरे देश का मार्गदर्शन करने वाले हैं, किंतु यह ग्रह स्थिति यह दिखा रही है कि विपक्ष और अराजक तत्व राजनेताओं के विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र अवश्य करेंगे, जिससे कि तत्कालीन सरकार को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि चंद्र जो कि प्रजा का कारक ग्रह है और बुध जो कि क्षमता और मानसिक सोच समझ को कंट्रोल करता है, वह वक्री है, तो ऐसे में ये दिखाता है कि लोग कहीं ना कहीं विपक्ष के झांसे में आकर, अराजक तत्वों के झांसे में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे समय में आप सभी को किसी भी विपक्षीय दल, किसी भी विपक्षीय झूठे प्रचार और अराजकता के छलावे में आना ही नहीं है। आप सबको सोच समझ के अपना निर्णय लेना है और लोकसभा चुनाव में वोट करना है। यह ग्रह स्थितियां आपको सीधा सीधा बरगलाने की कोशिश करेंगी, ये ग्रह स्थितियां आपकी मानसिक स्थिति को पीड़ित करने की कोशिश करेंगी, यह ग्रह स्थितियां आपके सामने विकट परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी, यह ग्रह स्थितियां आपके सामने युद्धात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी, ये ग्रह स्थितियां आपके सामने प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न करेंगी। किंतु हम सभी को एक बार फिर से अपनी सोच को संतुलित कर, अपने निर्णय को अडिग कर, भारत के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को सफल करना है और अगले 5 साल के लिए देश को एक बार फिर से एक स्थिर सरकार देने की कोशिश कर रही है। तो होपफुली आप सभी को आज के वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।